मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। अपन ने कॉकरोच एनिमल्स ले रखा था, उसके अंदर अपन ने उसका क्लासिफिकेशन है, उसके कुछ फीचर्स हैं, इसके अलावा उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट आसी कुछ बनती है वो चीज़ भी आपको बताई थी। अब अपन आगे देखते हैं कि कॉकरोच के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच की जो ब्लड कैविटी होती है उसको बोला जाता है हीमोसी, बोला जाता है हीमोसील। इस हीमोसील के अंदर जो रक्त, जो ब्लड, जो फ्लूइड भरा रहता है, इसे बोलते हैं हीमोलिम्प। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्प। ये भी बताया था इस हीमोलिम्प में एक शुगर शर्करा पाई जाती है जिसको ट्री हेलोस शर्करा कहा जाता है। ये ट्री हेलोस शर्करा किस प्रकार की होती है? डाइसैकेराइड प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो हीमोलिम्प होता है, जो हीमोलिम्प होता है इसके अंदर एक लार्ज फैटी बॉडी पाई जाती है, एक लार्ज फैट बॉडी, एक लार्ज फैट बॉडी, बड़ी वसी काय पाई जाती है। ये जो लार्ज फैट बॉडी है, हाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये लार्ज फैट बॉडी उच्च कशेरुकों के किस अंग के समजात काम करती है? लीवर, यकृत के समान। जैसे अपनी बॉडी में लीवर काम करता है, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो हीमोलिम्फ है उसके अंदर पाई जाती है लार्ज फैट बॉडी। ये लार्ज फैट बॉडी उच्च कॉर्डेट्स के दो के किस ऑर्गन्स के सिमिलर काम करती है? लीवर के समजात कार्य करती है। इस लार्ज फैट बॉडी के अंदर चार टाइप की सेल्स पाई जाती है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनता है कि इस लार्ज फैट बॉडी के अंदर, इस लार्ज फैट बॉडी के अंदर चार टाइप की सेल्स पाई जाती है। ये फैट बॉडी कहाँ पाई जा रही है? हीमोलिम्प के अंदर, हीमोलिम्प के अंदर पाई जा रही है। जिसमें फर्स्ट फैट बॉडी की अपन बात करते हैं वो है ट्रोपोसाइट्स, ट्रोपोसाइट्स। सेकेंड जो फैट बॉडी है इसका नाम है माइसिटोसाइट्स, माइसिटोसाइट्स। थर्ड फैट बॉडी है इसका नाम है ओइनोसाइट्स, ओइनोसाइट्स। फोर्थ नंबर की जो सेल्स है उसका नाम है यूरेट सेल्स, यूरेट सेल्स। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से किसी भी सेल्स से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लार्ज, पहला क्वेश्चन तो ये कि लार्ज फैट बॉडी कहाँ पाई जाती है? कॉकरोच के हीमोलिम्फ में पाई जाती है, जो किसके समजात काम करती है? लीवर, यकृत के समजात काम करती है। इसमें जो लार्ज फैट बॉडी होती है इसमें चार टाइप की सेल्स होती है, चार प्रकार की कोशिकाएं होती है। जिसमें जो फर्स्ट टाइप की है इसे बोलते हैं ट्रोपोसाइट्स, क्या बोलते हैं? ट्रोपोसाइट्स। जो सेकेंड नंबर की उसे क्या कहा जाता है? माइसिटोसाइट्स, क्या कहा जाता है? माइसिटोसाइट्स। जो थर्ड टाइप की सेल्स है इसे कहा जाता है ओइनोसाइट्स, ओइनोसाइट्स। और जो फोर्थ नंबर की सेल्स है इसे कहा जाता है यूरेट सेल्स। इन प्रत्येक सेल्स का अलग अलग कार्य है। जैसे ट्रोपोसाइट्स का मेन काम होता है फूड का स्टोरेज करना, भोजन का संग्रहण करना। ट्रोपोट मिस लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स भोजन से, तो भोजन का संग्रह। भोजन भी किस रूप में? जो कार्बोहाइड्रेट है, भोजन किस रूप में लिया जाता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा ग्लाइकोजन है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अलावा प्रोटीन है फैट के रूप में। माइसिटोसाइट्स होता है, माइसिटोसाइट्स, इस माइसिटोसाइट्स के अंदर सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, सहजीवी जीवाणु। ये जीवाणु क्या करता है? ये सहजीवी जीवाणु अमीनो अम्ल और विटामिन्स का सिंथेसाइज करता है, विटामिन्स का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि लार्ज फैट बॉडी की कौन सी सेल्स है जो अमीनो अम्ल व विटामिन्स का संग्रहण करती है, या सिंथेसिस, सॉरी
संग्रहण करने का काम करती है ट्रोपोसाइट्स और सिंथेसिस बनाने का काम कर रही है यहाँ पे माइसीटोसाइट्स। अब बात करते हैं ओइनोसाइट्स। ओइनोसाइट्स सेल्स होती है जो मोल्टिंग निर्मोचन का कार्य करती है। निर्मोचन मोल्टिंग निर्मोचन क्या होता है? निर्मोचन ये होता है जैसे आपने देखा होगा कि सांप होता है अपने केचुली उतारता है फिर से फोम के अंदर अपनी स्किन का डेवलप करता है। इसी प्रकार जो कॉकरोच होता है जो छोटा कॉकरोच होता है वो बड़ी साइज तक बनते बनते इसकी जो स्किन होती है काइटिन की होती है इसमें बार बार कवरिंग होती जाती है न्यू बनती जाती है पुरानी ओल्ड हटती जाती है। इसे बोलते हैं मोल्टिंग निर्मोचन। इस निर्मोचन के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? ओइनोसाइट्स। तो ओइनोसाइट सेल्स का क्या कार्य है? निर्मोचन में सहायता करना। यूरेट सेल्स, यूरेट सेल्स का काम होता है जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है इनका हीमोसील से उत्सर्जन करना। उत्सर्जी पदार्थ का यूरेट पदार्थ के रूप में हीमोसील से बाहर रिमूव करना किसका कार्य है? यूरेट सेल का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज पेटबोर्ड में चार टाइप से ट्रोपोसाइट्स काम होता है भोजन का संग्रहण करना ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन्स के रूप में। माइसिटोसाइट्स, माइसिटोसाइट्स का काम होता है सहजीवी जीवाणु के रूप में अमीनो अम्ल व विटामिन का संश्लेषण करना। ओइनोसाइट सेल्स का काम होता है निर्मोचन में सहायता करना। यूरेट सेल्स ना से पता चल रहा है यूरेट, यूरेट उत्सर्जी पदार्थ हीमोलिम से बॉडी से बाहर रिमूव करना। इस प्रकार ये चार टाइप की सेल्स आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कॉकरोच के डाइजेशन सिस्टम की, पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र को समझने के लिए पहले आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कॉकरोच की एलिमेंट्री के नाम बुला रहे हैं जो बायो की लैब के अंदर जब विशेषण करवाते हैं तो इसकी एलिमेंट्री केनाल बाहर रिमूव करवाई जाती है जिसमें ये जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये आपको क्लियर फॉर्म में दिखाई देती है। यह है कॉकरोच की एलिमेंट्री केनाल। वैसे एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट होती है माउस से लेकर ये एनस वाक तक पाई जाती है। इसके अंदर कॉकरोच है, इसकी आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। ये जो अपर वाला जो पार्ट होता है आप देख रहे हो ये पार्ट होते हैं ये है इसकी कंपाउंड आई।
ये होती है इसकी मैंडिबल्स काटने वाली, ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये इसकी स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स लारी ग्रंथियां, ये स्लेवरी ग्लैंड्स लारी ग्रंथियां आगे जब ये मैंडिबल्स है, ये इसकी बक्कल कैविटी है, मुख गुहा से ये किसमें खुलती है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से खुलती है ये ओसियोफेगस में, यहां वो सरसन दिखा दे रही है, ये है ओसियोफेगस, ये ओसियोफेगस आगे चलकर एक फूले हुए भाग में खुलती है, इसे बोलते हैं क्रोप, क्रोप बोलते हैं, अंकुटिया इसे बोलते हैं, इसे क्रोप ही बोलते हैं, क्रोप मतलब ओसियोफेगस का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, क्रोप कहलाता है, ये क्रोप आगे किसमें खुलती है, गिजार्ड में, गिजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या काम होता है, गिजार्ड, ये आपको संख्या में आठ चार पैर के रूप में जो संरचना दिखाई दे रही है, ये है हिपेटिक सिक्का, हिपेटिक सिक्का जो संख्या में ट्यूबुलर नलिकाकार संरचना होती है, हिपेटिक सिक्का, ये हिपेटिक सिक्का होती है जो आगे चलकर ये मिडगट, मिडगट को बोलते हैं मिजेंट्रोन, मिजेंट्रोन में खुलती है, ये जो मिडगट होती है, ये मिडगट आगे खुलती है हाइंडगट में, हाइंडगट और जो मिडगट है, हाइंडगट और जो मिडगट है इसके भाग में बीच वाले भाग में स्थित होती है मेल पीजियन नलिकाएं, मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स, मेल पीजियन नलिकाएं, ये मेल पीजियन नलिकाएं संख्या में अनेक होती है, ये मेल पीजियन नलिकाएं आगे किसमें खुलती है, ईलियम में खुलती है, ईलियम आगे कोलन में खुलता है, और कोलन लास्ट में किसमें खुलता है, रेक्टम में, कोलन किसमें खुलता है, रेक्टम में, यह आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, यह है कॉकरोच के पाचन तंत्र का, एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का, तो पहले देखते हैं कि कॉकरोच की जो बक्कल कैविटी है उससे पहले देखते हैं ये मैंडिबल्स है, ये कंपाउंड आई पाई जाती है, ये फिर बक्कल कैविटी, उसके पास में एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लारी ग्रंथि है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स किसमें खुलती है, ओसियोफेगस के अंदर, ओसियोफेगस का अंतिम जो फुला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, क्रोप कहलाता है, क्रोप आगे किसमें खुलता है, गिजार्ड में खुलता है, इस गिजार्ड के अंदर छह सिक्स टीथ या डेंटिकल्स पाए जाते हैं, छह दांत या डेंटिकल्स पाए जाते हैं, गिजार्ड आगे किसमें खुलती है, ये आठ नलिकाकार संरचनाएं हैं जिन्हें बोलते हैं हिपेटिक सिक्का, क्या बोलते हैं, हिपेटिक सिक्का, ये हिपेटिक सिक्का आगे किसमें खुलती है, मिडगट में, मिडगट, मिडगट आगे किसमें खुलती है, हाइंडगट, हाइंडगट के किस भाग पे, हाइंडगट, देखो ये मिडगट है बीच वाला भाग है और ये है हाइंडगट, यहाँ से स्टार्ट होता है हाइंडगट और मिडगट के बीच में भाग में अनेक पीली नलिकाकार संरचना पाई जाती है येलो स्पिलर की, इसे बोलते हैं मेल पीजी नलिकाएं, मेल पीजी नलिकाएं फिर किसमें खुलती है, ईलियम में, ईलियम कोलन में, फिर रेक्टम में। अब अपन इसकी ये तो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है इसके, अब अपन पढ़ते हैं कि इसमें ये प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इसमें पहला होता है फोरगट, फोरगट, सेकंड है मिडगट और थर्ड होता है हाइंडगट। फोरगट होता है इसको एक्टोडर्मल का है, मिडगट को मिजेंट्रोन का है, हाइंडगट को प्रोक्टोडियम कहा गया है। इस प्रकार इसको तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फोरगट एक्टोडर्मल, फोरगट में ये मैंडिबल भाग है, यहां से लेकर जो हिपेटिक गिजार्ड,
गिजार्ड जो हिपेटिक सिक्का है, इस भाग का जो भाग आता है वो किस में होता है? फोरगट अग्र भाग में, इसको बोला जाता है एक्टोडर्मल। दूसरा भाग स्टार्ट होता है, यह है मिडगट मेजेंट्रोन। इस मेजेंट्रोन होता है, यह आगे चलते होता है हाइंड गट में। हाइंड गट ये पीछे वाला भाग है, हाइंड गट और मिडगट इन दोनों के बीच वाले भाग में नलिकाकार अनेक संरचनाएं पाई जाती है जिनको मेल पिजन ट्यूबुल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैंडिबल्स का काम होता है भोजन को काटने का, चबाने का। यहाँ से भोजन आता है किसके अंदर? बक्कल केविटी में। बक्कल केविटी के अंदर क्या पाई जाती है? लारी ग्रंथियां, एक जोड़ी लारी ग्रंथियां होती है। ये लारी ग्रंथियां कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये जो काइटिन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा काइटिन है, जो सेलुलोज है और एमाइलेज मतलब स्लाइड ग्लेस काम क्या होता है? जो काइटिन है, सेलुलोज है, मतलब भोजन के अंदर कॉकरोच क्या लेता है? या तो कोई लकड़ी खाएगा, या कोई कंकाल हुआ सृजना, या कार्बोहाइड्रेट अगर फूड लेगा तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, एमाइलेज है, काइटिन है, इनका पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के पश्चात ये भोजन ओसियोफेगस से एक खुली हुई संरचना में आएगा जिसे बोलते हैं क्रोप। क्या बोलते हैं? क्रोप। ये जो क्रोप भाग होता है, ये आगे जाके किसमें खुलता है? गिजार्ड के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गिजार्ड का क्या काम होता है? गिजार्ड पीसने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अभी बताया आपको कि इसमें टीथ होते हैं, दांत होते हैं। कितने होते हैं? दांत नुमा संरचना होती है 6 होते हैं। इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि गिजार्ड होता है इसमें कितने 6 कितने टीथ या डेंटिकल्स पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। प्रश्न बनता है कि गिजार्ड का क्या काम होता है? गिजार्ड का काम होता है भोजन को पीसने का। गिजार्ड का जो आगे वाला भाग होता है ये तो भोजन को पीसने का काम करता है, और जो पीछे वाला भाग होता है ये भोजन को छानने का काम करता है। पीछे वाला भाग भोजन को छानने का काम करता है। अभी यहाँ से भोजन आएगा किसमें? कहाँ से गुजरेगा? गिजार्ड से गुजरेगा, हिपेटिक सिक्का से। हिपेटिक सिक्का का क्या काम होता है? ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाचक रसों का स्राव करती है। यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर भोजन के अंदर प्रोटीन, फैट और भी बच जाते हैं, उनका डाइजेशन किसके द्वारा होता है? हिपेटिक सिक्का के द्वारा स्रावित डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा ही क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। फिर यहाँ से भोजन हिपेटिक सिक्का से कहाँ प्रवेश करता है? मिडगट के अंदर। मिडगट में क्या है? मिडगट भाग क्या कहा गया है? मेजेंट्रोन। मिडगट की क्या विशेषता होती है? यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो मिडगट होता है इसके अंदर एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। उस सहजीवी जीवाणु का नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। उससे पूछ लिया जाता है कि कॉकरोच जो भी लकड़ी खाते हैं लकड़ी में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। उस सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा जैसे दीमक है, कॉकरोच है, जो लकड़ी को खाते हैं उन्हें की मिडगट मतलब जो मध्य अंत्र होती है उसके अंदर एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। तो सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए भोजन में जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन कौन करता है? यहाँ ट्राइकोनिम्फा। मिडगट से क्या होता है? भोजन का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मिडगट का आगे वाला भाग भोजन का कंप्लीट पाचन करता है, और पीछे वाला भाग क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है। यहाँ से अपचित भोजन फिर कहाँ आता है? ये मिडगट, ये बीच वाला भाग होता है। मिडगट और हाइंडगट के बीच वाली भाग में एक संरचना होती है, ट्यूबलाकार अनेक नलिकाकार संरचनाएं होती है जिनको कहा जाता है मेल पिजन ट्यूबुल्स, मेल पिजन नलिकाएं। अब ये मेल पिजन नलिकाएं क्या काम करेगी? जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो अपचित भोजन है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको बाहर स्रावित करने का काम, फिर उनको ईलियम में डालना, ईलियम से कोलन, कोलन से रेक्टम। इस प्रकार जो कॉकरोच है
उसमें डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी। इसके अंदर क्या काम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा काइटिन है, सेलुलोज है, इनका डाइजेशन करने का काम करता है। वैसे सेलुलोज का कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो मिडगट भाग में होता है। फिर पूछ लिया जाता है क्रोप क्या है, ओसियोफेगस का फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, क्रोप, क्रोप। फिर आ जाता है गिजार्ड, इसमें पूछ लिया जाता है कि गिजार्ड गिजार्ड कहाँ पाया जाता है, ये कॉकरोच की आहार नाल के फोरगट अग्र भाग में पाए जाने वाली एक संरचना है जो भोजन को पीसने और छानने का काम करती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि गिजार्ड में कितने टीथ होते हैं, 6 टीथ होते हैं, दांत होते हैं। गिजार्ड का आगे वाला भाग क्या करता है, भोजन का पाचन और गिजार्ड का आगे वाला भाग क्या करता है, भोजन को पीसने का काम, और पीछे वाला भाग क्या करता है, भोजन को छानने का काम करता है। यहाँ से भोजन गिजार्ड से हिपेटिक सिक्का से गुजरेगा। हिपेटिक सिक्का संख्या में कितनी होती है, 8 होती है। ये नलिकाकार संरचनाएं होती है जो किसका स्राव करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाचक रसों का स्राव करती है। जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो बच गया था उसका डाइजेशन हिपेटिक सिक्का के द्वारा स्रावित एंजाइम के द्वारा हो जाता है। अब भोजन में जो सेलुलोज बचा रहता है उसका पाचन कंप्लीट फॉर्म में कहाँ होता है, मध्य आंत्र के अंदर होता है, मिड गट के अंदर। इस मिड गट की क्या विशेषता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी जीवाणु है वो कॉकरोच के आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है, ये मिड गट भाग में पाया जाता है। ट्राइकोनिम्फा काम क्या है इसका, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर ट्राइकोनिम्फा मिड गट का जो आगे वाला भाग है ये तो भोजन का क्या करता है, पूरी तरह से पाचन करता है, और पीछे वाला भाग भोजन का अवशोषण करता है। अब अपचित भोजन को बॉडी से बाहर उत्सर्जी अंग के रूप में काम करने का काम करता है मेल पीजी नलिकाएं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कॉकरोच के अंदर उत्सर्जी अंग का नाम बताइए, मेल पीजी नलिकाएं। ये मेल पीजी नलिकाएं उत्सर्जन के अलावा कॉकरोच में और क्या काम करती है, ये ओस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या ताकती है, यूरेट यूरिक एसिड के फॉर्म में उत्सर्जित पदार्थ का क्या करती है, बॉडी से बाहर त्याग करती है। इस प्रकार जो कॉकरोच है उसमें डाइजेशन की क्रिया करती है। यहाँ पे मेन फोकस करना आपको गिजार्ड पे, हिपेटिक सिक्का पे, मिड गट में ट्राइको निम्पा पे और मेल पीजन ट्यूबुल से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस प्रकार यहाँ कॉकरोच के अंदर जो डाइजेशन की क्रिया होती है वो एक डायग्राम के जरिए आपको समझा के यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉकरोच के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र।